सुप्रीम कोर्ट में आज दो बड़े हाई प्रोफाइल मामलों पर सुनवाई होगी। बताते चले कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें एक मामला दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। वहीं दूसरे मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर भी सुनवाई होगी, जिसमें राज्य उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका पर फैसला सुनाने में देरी को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही इसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज दो बड़े हाई प्रोफाइल मामलों पर सुनवाई होनी है। बताते चलें कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें एक मामला दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। वहीं दूसरे मामले में झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर भी सुनवाई होगी, जिसमें राज्य उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका पर फैसला सुनाने में देरी को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही इसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आज दो हाई प्रोफाइल केसों पर कोर्ट सुनवाई करेगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? प्रोफाइल के केस की, यानी कि अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से शराब घोटाले के अंदर अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से 9 नोटिस दिए गए थे और 10वें नोटिस पर उनको गिरफ्तार किया गया था, मगर उन 9 नोटिसों को लेकर बार बार कहीं ना कहीं याचिका लगाई जा रही थी कि ईडी के द्वारा कहीं ना कहीं गलत तरीके से नोटिस दिए गए हैं, मगर अब उसकी सुनवाई के लिए कहीं ना कहीं समय बिल्कुल आ चुका है और आज कोर्ट के अंदर बिल्कुल सुनवाई होगी। और यहां तक की बात करें जिस तरीके से 9 नोटिसों की, तो उसको लेकर अरविंद केजरीवाल का जो जवाब था वो दाखिल किया गया था, मगर अब उस जवाब को लेकर भी कहीं ना कहीं कोर्ट जो है अपना कदम उठाती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल राजीव, अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की तो कहीं ना कहीं देखा जाए उनकी मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं। अगर कोर्ट सुनवाई करता है, क्या कोई राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, यहाँ पर बात करें संदीप, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी चाहती थी कि उनको राहत मिले और जो ईडी के द्वारा नोटिस दिए जा रहे थे उससे कहीं ना कहीं उनको राहत मिलती हुई नजर आए, मगर वो राहत जो थी वो नहीं मिलती नजर आई, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे थे और जिस तरीके से ईडी चाहते थे कि उनसे पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल जो है वो जांच में सहयोग करे, मगर 9 नोटिसों का जवाब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा नहीं दिया गया और 10वें नोटिस पर मजबूरन ईडी को कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार करना पड़ा, मगर अब आगे की प्रक्रिया किस तरीके की होगी और कोर्ट का जवाब किस तरीके से होगा वो देखना होगा। मगर यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की, जो वकील है उनकी तरफ से जरूर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जवाब जो है दाखिल किया गया, मगर अब इस पे फैसला आने की उम्मीद नजर आ रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चाहती है कि उनको कोई थोड़ी बहुत राहत मिले, मगर वो राहत जो है शायद अभी भी मिलती हुई नजर नहीं आ सकती है। जी राजू, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के मामले में भी सुनवाई होनी है, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास?
देखिए यहाँ पर बात करें झारखंड के सीएम की बात करें तो हेमंत सोरेन की, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो कार्रवाई गिरफ्तारी हुई थी उसको लेकर भी आज कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, मगर सुनवाई किस तरीके से होगी ये समय ही बताएगा, बता पाएगा। मगर यहाँ पर बात करें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जो है वो भी कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा की गई थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है हेमंत सोरेन की बनती हुई नजर आई थी। मगर अब दोनों ही मामलों की बात करें तो दोनों ही मामलों के अंदर कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, क्या दोनों को राहत मिल पाएगी ये जरूर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी उम्मीद लगाती नजर आ रही है और हेमंत सोरेन के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाते हुए नजर आ रहे हैं, मगर वो उम्मीद कितनी पूरी हो पाएगी ये कोर्ट के फैसले के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें हेमंत सोरेन की तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने आ रहा है, ईडी जो है उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दे रही थी। देखिए सर, यहाँ पर एक चीज समझ लोगी, हेमंत सोरेन की बात करें जिस तरीके से मनी लॉन्ड्री मामले की बात करें तो मनी लॉन्ड्री मामले के अंदर भी कहीं ना कहीं सुनवाई होगी, और जहां तक कि अब हेमंत सोरेन की बात करें तो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी की गई थी उसको भी कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया था, मगर अब उस चैलेंज का जवाब जो है कोर्ट के अंदर पेश किया गया है और कोर्ट ही स्पष्ट कर पाएगा कि वाकई में ही सही तरीके से गिरफ्तारी थी या फिर गलत तरीके से, मगर इसका फैसला जो है वो कोर्ट के ऊपर ही निर्भर करता है। जी बिल्कुल राजीव तिवारी जी, अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो लगातार सुनवाई उनके मामले में चल रही है और ईडी भी लगातार यही कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं कहीं ना कहीं वो दोषी हैं, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी बयान आ रहा है कि वो दोषी नहीं है, सारे के सारे जो घोटाले हुए थे वो बीजेपी के द्वारा किए गए थे। देखिए यहाँ पर बात करें संदीप, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल के पार्टी के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं हमला बोला जा रहा था भाजपा के ऊपर, जहां तक कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उससे पहले जो नो नोटिस दिए गए थे उसमें भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि झूठे आरोपों के तहत गिरफ्तार करने के षड्यंत्र रचाया जा रहा है, मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और तब भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यही कहती नजर आ रही थी कि ईडी के खिलाफ कोई, ईडी के पास जो है कोई भी सबूत नहीं है, अगर सबूत होते तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी लगभग 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है उसमें पेश किए जा सकते थे, मगर कोर्ट के अंदर बिल्कुल ईडी की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत और गवाह दोनों हैं, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी जो थी वो की गई है, मगर अब कोर्ट का जो फैसला होगा वो किस तरीके से आएगा वो तो सब सबके सामने आएगा, मगर यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं कम होती नजर नहीं आ रही है। दूसरा यहाँ पर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर होती नजर आ रही थी, मगर कहीं ना कहीं इसको चुनाव से जोड़कर गिरफ्तारी को देखा जा रहा। जी बिल्कुल राजीव तिवारी, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो लगातार यही कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हैं, अगर अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हैं फिर पेंच कहां फंस रहा है, उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है। देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कहा जा रहा था कि गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई है, दूसरा यहाँ पर बात करें ईडी के पास सबूत नहीं है, अगर ईडी के पास सबूत नहीं होते तब उनकी गिरफ्तारी जो थी वो अरविंद केजरीवाल ने सहयोग क्यों नहीं करा, ये सबसे बड़ा सवाल था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किल जो है वो बनती हुई नजर आई थी। जी राजीव तिवारी जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।